हेलो एवरीवन, आज हम वेव्स एंड ऑसिलेशन के एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस हैं एलसी सर्किट्स में। जो एलसी परिपथ है उसके अंदर विद्युतीय दोलन किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और उसकी इक्वेशन का मैथमेटिकली हम मान निकालेंगे। सबसे पहले हमने एक एलसी सर्किट लिया, जैसा कि समय इसमें डाइग्राम में दिखाया गया है। एल और सी जो आपका प्रेरकत्व और जो संघनित्र है, ये दोनों जुड़े हुए हैं और एक की है और उसके साथ एक बैटरी लगी हुई है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि जब किसी आवेशित संघनित्र से किसी नगण्य ओमीय प्रतिरोध वाले प्रेरकत्व में विसर्जित किया जाए तो परिपथ में दोलन उत्पन्न होने लगते हैं। इस प्रकार के दोलन को विद्युतीय दोलन या इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस तथा परिपथ को दोलनी विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिकली ऑसिलेशंस जो है उसके अंदर होने लगते हैं। परिपथ में उत्पन्न विद्युत दोलनों की उत्पत्ति की व्याख्या हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। परिपथ में देख रहे हैं हम कि इसमें एक दोलनी विद्युत परिपथ है जो L और C परिपथ को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें एक संघनित्र C तथा एक प्रतिरोध रहित प्रेरक कुंडली L एक बैटरी के साथ कुंडली K के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए हैं, जैसा कि चित्र से बिल्कुल स्पष्ट है। सर्वप्रथम कुंजी K को दबाकर संघनित्र C को आवेशित करते हैं। जब संघनित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है तो परिपथ में धारा शून्य हो जाती है। यदि पूर्ण आवेशित होने पर संघनित्र पर आवेश Q0 हो तो इस समय उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा हाफ ऑफ Q0 स्क्वायर अपॉन C के बराबर होगी। अब कुंजी K को छोड़ते हैं तो संघनित्र के आवेश प्रेरकत्व कुंडली L में विसर्जित होने लगते हैं तथा परिपथ में वामवर्ती दिशा में धारा बहने लगती है। जैसे ही ये धारा प्रेरकत्व कुंडली L के परिपथ में प्रवाहित होने लगती है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होने लगती है। जब धारा का मान शून्य से बढ़कर अधिकतम I0 हो जाता है तो संघनित्र में संचित वैद्युत ऊर्जा पूर्णतः चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संघनित्र पूर्णतः अनावेशित हो जाता है। प्रेरकत्व कुंडली L में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित ऊर्जा का मान हाफ ऑफ L I0 स्क्वायर होता है। प्रेरकत्व में धारा शीघ्र ही शून्य के रूप में शून्य होने का प्रयास करती है। चुंबकीय क्षेत्र के घटने से प्रेरकत्व L में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो संघनित्र की प्लेटों को पहले से विपरीत दिशा में आवेशित कर देता है। अब हमारे पास जो नीचे चित्र बने हुए हैं ये तीन, उसमें से हमने ये सी वाला चित्र देखे। इस चित्र में संघनित्र के पूर्ण आवेशित हो जाने पर परिपथ में धारा पुनः शून्य हो जाती है। इस प्रकार से प्रेरकत्व में संचित चुंबकीय ऊर्जा पुनः संघनित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब संघनित्र से आवेश पुनः प्रेरकत्व में विसर्जित होता है, लेकिन इस समय विसर्जित होने की जो है आवेश उसकी दिशा पहले से विपरीत होती है। इस प्रकार संघनित्र के आवेशन और अनावेशन की यह प्रक्रिया बार बार होती है तथा एलसी परिपथ में विद्युत धारा पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम तथा पुनः शून्य तक घटती है और फिर दूसरी दिशा शून्य से अधिकतम मान तक बढ़कर पुनः शून्य तक घटती है। अतः परिपथ में धारा दिशा से दूसरी दिशा की ओर एक निश्चित आवृत्ति से प्रवाहित होती है। इस प्रकार परिपथ में विद्युत दोलन उत्पन्न हो जाते हैं तथा विद्युत परिपथ विद्युत दोलनी परिपथ कहलाता है। परिपथ में उत्पन्न दोलनों की हम गणित व्याख्या गणितीय विश्लेषण करेंगे और इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। यदि संघनित्र पर आवेश Q है तो संघनित्र पर विभवांतर हो गया हमारे पास VC इज इक्वल टू Q अपॉन C। माना इस विभवांतर के कारण प्रेरक कुंडली में धारा I बहती है। प्रेरक कुंडली के सिरों पर विभवांतर VL इज इक्वल टू माइनस L DI बाई DT इज इक्वल टू VC के बराबर होगा, परंतु I की वैल्यू हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स DQ अपॉन DT। तो I हो गया हमारा DQ बाई DT, ये वैल्यूज हम रखते हैं तो ये हो गया माइनस L D2Q, समीकरण दो में मान रख रहे हैं D2Q अपॉन DT स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई C, या
एल अपॉन डी एल इंटू डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू सी इज इक्वल टू ज़ीरो और डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो हमारे पास समीकरण आया है जिसको हम समीकरण तीन कहते हैं, ये समीकरण सरल आवृत्ति दोलक के अवकलन समीकरण के जैसा ही है। अतः संघनित्र पर आवेश का मान आवर्ती रूप में परावर्तित होता है और एकांतर रूप में धनात्मक एवं ऋणात्मक भी होता जाता है। इसलिए आवेश के परिवर्तन का आवर्त काल अगर हमारे को पता है निकालेंगे तो टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल सी और जब आवृत्ति निकालेंगे तो वन अपॉन टी कर देंगे इसको तो आवृत्ति एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। समीकरण चार। समीकरण तीन के हल को हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। समीकरण जो हमारा तीन है इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, इसका समाकलन करेंगे तो ये दो बार जब समाकलन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी क्यू इज इक्वल टू क्यू जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। समीकरण पाँच से दर्शाया इसको हमने, परंतु एट टी इज इक्वल टू जीरो क्यू इज इक्वल टू क्यू जीरो तथा आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो होगा। जब टाइम इज टी क्योंकि जीरो हो गया तो डी क्यू बाई डी टी जीरो हो गया और एट टी इज इक्वल टू पूरी तरह से चार्ज है हमारा कंडेंसर तो क्यू इज इक्वल टू क्यू जीरो और ये सब वैल्यूज जब हमने इक्वेशन पाँच में रखी तो यहाँ से साइन फाई आ गया आपके पास, साइन फाई की वैल्यू आ गई वन। तो अब हम यहाँ से फाई की वैल्यू निकालेंगे कि जो फाई है वो कितना हो गया हमारे पास फाई टू साइन फाई अगर वन है तो फाई का मान समीकरण पाँच में रखने पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी चार्ज या आवेश की क्यू इज इक्वल टू क्यू जीरो साइन ऑफ ओमेगा जीरो टी प्लस फाई बाई टू इज इक्वल टू क्यू जीरो कॉस ऑफ ओमेगा जीरो टी के बराबर टोटल चार्ज होगा उसके ऊपर। अतः संघनित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू जीरो तथा माइनस क्यू जीरो के मध्य समीकरण चार द्वारा प्रदत्त आवृत्ति वन अपॉन टू पाई अंडर रूट ऑफ एल सी से परिवर्तन होता रहता है। एक बार पॉजिटिव होता है एक बार नेगेटिव होता है इसलिए दोलन शुरू हो जाते हैं इसमें। परिपथ में समय t पर धारा का मान i इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी और q को अगर हमने q के जो इक्वेशन निकाली थी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा जीरो क्यू जीरो साइन ऑफ ओमेगा जीरो t। यह धारा भी सरल आवर्त रूप में परिवर्तित होती है। फर्स्ट अब इसके अंदर हम इसमें इसकी एल सी परिपथ में कैलकुलेट करेंगे कि जो दोलित रहे जो ये ऑसिलेशन्स हो रहे हैं इसकी ऊर्जा कितनी होगी। संघनित्र पर समय t पर एकत्रित आवेश q के कारण विद्युत क्षेत्र के रूप में संग्रहित ऊर्जा ue हो जाएगी 0 टू q vc dq और इसको जब किया 0 से q vc होता है हमारे बाई c शुरू में देखा है हमने तो vc हो जाएगी q बाई c इंटू dq। इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो गया q स्क्वायर बाई 2c और ये वैल्यू अगर हमने यहाँ से सॉल्व की तो ये q की वैल्यू रख देंगे यहाँ तो 1 अपॉन 2c q होता है हमारे पास अभी अभी हमने देखा कि जो समीकरण की मान है q की वो पहले वाली इक्वेशंस में हमने निकाली है q होता है q जीरो cos ऑफ ओमेगा जीरो t के बराबर तो ये लिखा यहाँ पे तो ये हो गया q जीरो स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा जीरो t के बराबर जो कि हमने समीकरण आठ से प्रदर्शित किया है। अब समय t पर ही प्रेरक कुंडली में धारा I स्थापित करने में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जो संग्रहित ऊर्जा है वो हो जाएगी आपकी ऊर्जा इन मैग्नेटिक U है आपकी एनर्जी इन पोटेंशियल फील्ड इज इक्वल टू जीरो टू I करंट की मिनिमम वैल्यू जीरो है और मैक्सिमम I है तो और VL I dt जीरो टू I VL की वैल्यू होती है हमारा पहले देख चुके हैं ये भी एल डी आई बाई डी टी इंटू आई डी टी इसको किया L को ऐसे एस एच और जीरो आपकी लिमिट आई को जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया आई स्क्वायर बाई टू तो इक्वेशन आ गई हमारे पास एल आई स्क्वायर अपॉन टू और इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल एस एच और आई की वैल्यू रख देते हैं आई होता है ओमेगा जीरो क्यू जीरो साइन ओमेगा टी तो आई जीरो की वैल्यू आई जीरो आई स्क्वायर की वैल्यू जब हमने रखी तो ओमेगा जीरो स्क्वायर क्यू जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर होगा जो कि समीकरण नौ से प्रदर्शित किया गया है। अतः विद्युत दोलनों के लिए कुल ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की हम कैलकुलेट करके रखें यू ई और यू एम तो U हो जाएगा यू ई प्लस यू एम और E इज इक्वल टू यू ई अभी देखिए हमने वन अपॉन टू सी क्यू जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस यू एम हमारे पास अभी कैलकुलेट की है हाफ ऑफ एल ओमेगा जीरो स्क्वायर क्यू जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर
ओमेगा ज़ीरो टी। और इस इक्वेशन को रीराइट करके जब हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगी यहाँ से क्यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन टू सी कॉमन हो जाएगा, इन ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा ज़ीरो टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा ज़ीरो टी जो कि वन के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 10 जो है विद्युत दोलनों की कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करेगी जो कि क्यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन टू सी के बराबर होता है, अर्थात विद्युत दोलनों में कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है, कॉन्स्टेंट रहती है ऊर्जा एनर्जी। समीकरण 4 से यह ज्ञात होता है कि एलसी परिपथ में आवेश के दोलन की आवृत्ति संगानित्र की धारिता सी तथा प्रेरक के मानों पर निर्भर करती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो एलसी परिपथ में उत्पन्न दोलन एक निश्चित आयाम से अनंत समय तक रहेंगे, जैसा कि चित्र में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। यदि परिपथ में प्रतिरोध शून्य नहीं हो तो प्रत्येक दोलन में कुछ ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय होती है, जिससे दोलन का आयाम समय के साथ लगातार घटता जाता है। ऐसी स्थिति में परिपथ में अवमंदित दोलन या डैम्ड ऑसिलेशन उत्पन्न होते हैं तथा परिपथ में धारा जो है वो अवमंदित दोलनी धारा या डैम्ड ऑसिलेटरी करंट होती है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। हम इसमें देख रहे हैं समय के साथ साथ धारा का जो आयाम है उसका मान कम होता जाता है। यदि परिपथ को बाह्य स्रोत से जोड़ दें तथा बाह्य स्रोत में परिपथ के प्रति चक्र उतनी ही लगातार ऊर्जा मिलती रहे जितनी की प्रति चक्र क्षय होती है, तो परिपथ में उत्पन्न दोलनों का आयाम नियत बना रहता है।